तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अदर सेंट्रल आइडिया। आज की सेंट्रल आइडिया में हम लोग बात करेंगे जो अवांडा पोएम है उससे रिलेटेड, उसकी सेंट्रल आइडिया क्या होगी इसमें हम बात करेंगे। इससे पहले हमने सारी सेंट्रल प्लस की सेंट्रल आइडिया को कवर कर रखा है, आप उन्हें जाकर वीडियो पे प्लेलिस्ट के चैप्टर में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, द पोएम अवांडा, यानी कि जो पोएम है अवांडा इज रिटन, लिखी गई है बाई रॉबिन क्लीन के द्वारा। ठीक है, ये जो कि एक पोएट्रेस मतलब कि कवित्री है ना। चलिए देखते हैं उसके बाद। इन दिस पोएम, इस पोएम में सी हैज एक्सप्रेस, मतलब वो एक्सप्रेस करती हैं कौन, पोएटेस, क्या कहती हैं, द व्यूज ऑफ ए लिटिल गर्ल अमांडा, इसमें वो एक लिटिल गर्ल अमांडा के एक्सप्रेस को कवर करती हैं, हु जो कि इज है रेगुलरली हमेशा पॉइंटेड आउट, रोंक टोंक की जाती है, निर्देशित की जाती है बाय हर मदर, अपनी मम्मी के द्वारा, फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, यानी कि एक इसमें लड़की है अमांडा जो कि हमेशा अपनी मम्मी से गलतियां करने के लिए हमेशा पॉइंटेड की जाती है, निर्देशित की जाती है। देखते हैं अगला, अमांडा इज ऑलवेज, अमांडा होती है ऑलवेज मॉनिटर्ड एंड क्वेश्चंस अबाउट हर एक्शंस, यानी अमांडा को उसके मॉनिटर किया, मतलब उसकी मम्मी जो उसे मॉनिटर करती है, निर्देशित करती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करती है उसके एक्शन पर, जैसे लाइक नॉट बाइट हर नेल्स, अपने नाखून ना काटे वो, एंड बेंट हर सोल्जर, और अपने कंधों को ना उचकाए झुकाए, है ना। बट लेकिन अमांडा कीप ड्रीमिंग ऑफ ए लाइफ, लेकिन अमांडा हमेशा ऐसे लाइफ की ड्रीम करती रहती है ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की, इन द ओपन, मतलब खुले में, यानी कि अमांडा चाहती है कि वो खुले में जो है हमेशा आज़ादी पाए और ऐसे जीवन की वो कल्पना करती है। चलिए आगे देखते हैं, द पोएट यानी कि कवित्री वांट टू से, कवित्री कहना चाहती है दैट पेरेंट्स शुड बी सेंसिटिव इन देयर फीलिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, यानी कि पेरेंट्स यानी जो बच्चे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, शुड बी सेंसिटिव, उन्हें सजग होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति, फीलिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की भावनाओं के प्रति उन्हें सजग रहना चाहिए, वो एक्चुअली चाहते क्या हैं वो वही करना चाहिए ना। चलिए तो आज की सेंट्रल आइडिया अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना। चलिए भाई, मिलते हैं अगले सेंट्रल आइडिया में, तब तक के लिए बाय बाय।